हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सही हो गए आप सब के सब। सो अभी गेस करो हम कहाँ हैं। ये मम्मी भी मेरे साथ है, पापा भी हैं, पापा वेट कर रहे हैं, वहाँ जाना है हमें। सो गाइस, अभी हम हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड अभी मैं फ़्लाइट करके आई हूँ, बट अभी मैं फ़्लाइट पर नहीं जा रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी साथ में, तो फ़्लाइट पर क्या ही जाऊँगी मैं। सो अभी हम जा रहे हैं गोवा एंड मम्मी भी मेरे साथ हैं, पापा भी बस बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। सो इट्स टाइम फॉर वेकेशन। सो गाइज, इस दिन मैंने आपको दिल्ली एयरपोर्ट बाहर से दिखाया था, आज मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ। सो ये है अंदर से दिल्ली एयरपोर्ट एंड ट्राई करूँगी आपको मैं आज बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी अगर परमिट होता है तो। सो ये अभी अंदर का है जहाँ पे आपको बोर्डिंग गेट्स मिलते हैं, यहाँ से क्रू आते हैं। यहाँ पूरा वहाँ पे मॉल टाइप का है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एंड ये गेट नंबर की तरफ जाने का रास्ता है। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के सुबह के 3:30 एंड मम्मी भी आँखों से लग रहा है, मम्मी को नींद आ रही है। मैं तो फ़्लाइट करके आई हूँ ना, यू नो वॉट, मैं करके भी गोवा की फ़्लाइट आई हूँ एंड अगेन वापस गोवा जा रही हूँ। ये हमारे कुछ पुतले योगा करते हुए। ये दिल्ली का एक ऐसा स्पॉट है जहाँ सब फोटो क्लिक कराते हैं। सो मैं और मम्मी वॉशरूम गए थे एंड अभी वापस जा रहे हैं गेट नंबर पे। अभी फ्लाइट को है टाइम डिपार्चर होने में अभी 2:00, तो अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी कम से कम 2 घंटे हैं डिपार्चर को। तो हमने सोचा चलो एयरपोर्ट पे ही थोड़ा घूम ले। सोना है आखिर देखो, मैं तो सुबह 8 बजे की देखी हुई हूँ। मैं आप तो सोए भी थी ना हर दिन। The mask is full. Please note it is normal for the oxygen bag. गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं बीच की तरफ एंड होटल में जाने के बाद हम सो गए थे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। सो लंच करके हम सारे सो गए थे। ये मम्मी हमें है बोलो एंड ये हमारा गोवा में फर्स्ट डे है। सो ये हम खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो होटल के पास पास जो भी चीज़ें हैं वो हम खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये पापा हैं, और नाउ वी आर गोइंग टू कैंडोलिम बीच। कैंडोलिम ही था ना, जब भी जहाँ भी है बीच ही जा रहे हैं, बीच पे जाएंगे फिर वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ये सारे शॉप्स यहाँ पर हैं, सो बाई चांस अगर कोई शॉपिंग करना भूल गया, गोवा आ गया, तो आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। एंड स्कूटीज भी आपको रेंट पे मिल जाएंगी यहाँ पे आराम से। पापा हमसे, वाओ दिस लुक सो ब्यूटीफुल। एंड पापा आप तो ऐसे भाग रहे हो जैसे हमारे साथ आप ही की कॉम्पिटिशन चलती है। So beautiful. Mom, me. So, जो बीच में हम जा रहे हैं वो हमारे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी सारे बीच हैं, तो हमने सोचा आज बीच वगैरह एक्सप्लोर कर लें बिकॉज गोवा में तो बीच है, गोवा वाले बीच पे। लेकिन आपको गोवा में चलते चलते ऐसे शॉप्स काफ़ी मिल जाएंगे।
इलेक्ट्रिक, हाँ हर चीज़ का कलेक्शन मिल जाएगा आपको, लड़कों के कपड़ों से लेकर लड़कियों के कपड़े, एंड टैटू बहुत अच्छे हैं सभी बच्चों के सबके. एंड वी हैव ऑलमोस्ट रीच देयर. सो बीच ऑलमोस्ट आ ही गया है एंड हवा काफ़ी अच्छी चल रही है. Everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Are in Goa. Activity karaoge na wo wali. Oh please na. Kitna pyara wo ho raha hai. कैसा लग रहा है आप लोगों को गोवा में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है. से चीज चीज चीज. कहाँ जाना है अभी आगे? ना चलो पापा जल्दी. आपने मेरा पापा मेरा बैग लेके रखा है. सो नाइस ऑफ यू. पापा को भी अंदर नहीं जाने दे रही. क्यों नहीं जाने दे रही हो? हैं? नहीं जी, मम्मी पापा को अंदर नहीं जाने दे रही है. मम्मी I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all this bad, keeping play, and I've got something to say. Cheers, Dad. Yoo-hoo!
मम्मी मजे आ रहे हैं पानी का नाम ज्यादा तो मजा आ गया ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया जाता है मम्मी देखो मैंने आपके लिए कैंडल लगवा दी अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे हवा लिटरली हम तब से यहीं पे बैठे हुए इतना अच्छी हवा चल रही है मजा आ गया इतने दिन से मैं फ्लाइट कर करके थक गई थी अभी ऐसे लग रहा है ना मेरा चिल टाइम चल रहा है चिल करूंगी कुछ दिन तक गाइस सब वापस अब हम पे हैं रिजॉर्ट जा रहे हैं जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं एंड मज़ा आ गया आज बहुत ज़्यादा सो बस हम भी अपने रिजॉर्ट पहुँचने वाले हैं एंड आ ही गए हैं ऑलमोस्ट सो दिस इज़ आर रिजॉर्ट फ्रॉम आउटसाइड मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाई थी लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को So this is our resort and here is the swimming pool. चलो